उदाहरण एक, बिंदु ए 4-5 को निर्देशांक समतल में प्रदर्शित कीजिए। हल, चूंकि x निर्देशांक -4 है, अर्थात बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी -4 है, इसलिए पहले हम x अक्ष की धनात्मक दिशा अर्थात ओ एक्स दिशा में 4 इकाई बढ़ेंगे। चूंकि y निर्देशांक -5 है, अर्थात बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी -5 है, इसलिए अब हम y अक्ष की धनात्मक दिशा अर्थात ओ वाई दिशा में -5 इकाई बढ़ेंगे। इस तरह हमें बिंदु ए 4-5 प्राप्त हुआ। उदाहरण दो, बिंदु बी -4-5 को दर्शाइए। हल, बिंदु बी का एक्स निर्देशांक -4 है, तो हमें किस दिशा में बढ़ना होगा? चूंकि बिंदु बी का एक्स निर्देशांक ऋणात्मक है, इसलिए हम एक्स अक्ष में ओ एक्स डैश दिशा में आगे बढ़ेंगे। आगे के चरण आप स्वयं करें और निर्देशांक समतल में बिंदु -4-5 को दर्शाइए। करके देखें। पहला, नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, ये किस किस चतुर्थांश में स्थित हैं, प्रत्येक को निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कीजिए। बिंदु 1 5-7, बिंदु 2 -2-5, बिंदु 3 2-2, बिंदु 4 -4-5। दूसरा, कोई भी 5 और निर्देशांक जोड़े लिखें, उन्हें उनके चतुर्थांशों पर उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करें। अक्षों पर बिंदु, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? हम जानते हैं कि किसी बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें दो दूरियां चलनी होती हैं। पहला x अक्ष के अनुदिश यानी y अक्ष के लंबवत और दूसरा y अक्ष के समानांतर या x अक्ष के लंबवत। अब यदि कोई बिंदु x अक्ष पर ही स्थित हो तो हमें मूल बिंदु से उस बिंदु तक केवल एक दूरी चलनी होगी। चूंकि y अक्ष के समानांतर चली गई दूरी शून्य होगी, इसलिए उस बिंदु का y निर्देशांक शून्य होगा। अतः x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 या -x0 होंगे। जैसे x अक्ष पर स्थित बिंदु A के निर्देशांक 4-0 हैं। इसी तरह y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0y या -y होंगे। स्पष्ट है कि मूल बिंदु O के निर्देशांक 0-0 होंगे। उदाहरण 3, निर्देशांक समतल पर बिंदु P जो 3-0 से प्रदर्शित है, इसे प्रदर्शित करना है, दिखाना है। हल, चूंकि बिंदु P का y निर्देशांक 0 है, इसलिए x अक्ष से इस बिंदु की लंबवत दूरी 0 है, अतः यह बिंदु x अक्ष पर होगा। बिंदु P का x निर्देशांक 3 है, इसलिए यह बिंदु OX की दिशा में मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर होगा। करके देखें। पहला, बिंदुओं B यानी 0-4, C यानी -4-0 और D यानी 0-2 को निर्देशांक समतल पर दर्शाइए। दूसरा, 3 ऐसे अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक लिखें जो x अक्ष पर हैं। तीसरा, इसी तरह y अक्ष पर स्थित 3 अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। बिंदुओं के बीच की दूरी, दिए गए आलेख में 4 बिंदुओं A, B, C और D को प्रदर्शित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि A, B और C, D बिंदुओं के बीच की दूरियां कितनी कितनी हैं? क्या बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी AB, बिंदु C और बिंदु D के बीच की दूरी CD से कम है, या दोनों दूरियां बराबर हैं? हम उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे जिनके निर्देशांक दिए गए हों? उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना आसान है जो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अक्षों पर या उनके समांतर किसी रेखा पर स्थित हों। जैसे
ए एक एक व बी एक चार, इसी तरह सी दो दो और डी छः दो हैं। इनमें पहले दोनों बिंदुओं के वाई निर्देशांकों का अंतर लेने पर दूरी ए बी तथा बाद के दो बिंदुओं के एक्स निर्देशांकों का अंतर लेने पर दूरी सी डी क्रमशः प्राप्त कर सकते हैं। दूरी ए बी बराबर 4-1 यानी 3 इकाई, चूंकि ए बी बराबर y2 - y1, क्योंकि x2 और x1 बराबर हैं। दूरी सी डी बराबर 6-2 यानी 4 इकाई, चूंकि सी डी x2 - x1 है, क्योंकि y1 और y2 बराबर हैं। इसी तरह पी यानी 1-2 और क्यू यानी 1-6 के बीच की दूरी पी क्यू बराबर y2 - y1 होगी, क्योंकि x2 और x1 बराबर हैं। इसलिए पी क्यू बराबर 6-2 बराबर 4। दूरी धनात्मक ली जाती है, अतः पी क्यू बराबर 4 इकाई। करके देखें, इन बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला बिंदु 5-8 और बिंदु 5-3, दूसरा बिंदु 2-3 और बिंदु 2-7,